लोनी विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने प्रेसवार्ता करते हुए लोनी विधानसभा की नई कमेटी का गठन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी से गाजियाबाद जिलाध्यक्ष फैसल हुसैन ने लोनी विधानसभा का गठन करते हुए 2024 के चुनाव का ऐलान कर दिया। इस दौरान फैसल हुसैन ने कहा, साथ ही लोनी में जल निकासी के मुद्दे पर भी बात की जिलाध्यक्ष ने। उस बीच पूर्व लोनी विधायक जाकिर अली ने कहा कि 2024 में इंडिया पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश अनुसार पार्टी गठबंधन कर इतिहास रचाएगी। साथ ही हुए विधानसभा के नवनियुक्त पदाधिकारी व सदस्य को बधाइयां देते हुए शुभकामनाएं भी दी। दिनेश नगर विधानसभा अध्यक्ष मोमिन मलिक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाजी लईक मिर्जा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट जितेंद्र जाटव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आस मोहम्मद सैफी, उपाध्यक्ष संदीप वाल्मीकि उपाध्यक्ष और मोहम्मद उस्मान सचिव, आमिर खान सचिन सचिव और कृष्ण चपराना सचिन, दीप मोहम्मद सचिन, नजीर सचिन, दीप्ति चंद सचिन और सलीम पहलवान सचिन, विशेष आमंत्रित सदस्य हाजी जाकिर अली, पूर्व विधायक लोनी रविशंकर चंदेल, अनीस अली, एडवोकेट हरेंद्र कसाना, प्रवेश बैसोया, जफर अली उर्फ राजू सैयद, कासिम अली, उम्मीद पहलवान, हसमुद्दीन इदरीसी, जाहिद अली मुखिया, यास्मीन इत्यादि मौजूद रहे। अध्यक्ष जी, आज विधानसभा की कमेटी घोषित की गई है और 51 से जो कमेटी है वो बनाई गई है, विशेष आमंत्रित सदस्य, इतनी बड़ी जो कार्यकारिणी है बनाने की जरूरत क्या पड़ी है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कमेटी जो है ये प्रदेश और राष्ट्र के नेतृत्व में बनाई जाती है और आने वाला समय 2024 के चुनाव का समय है। हर वर्ग आज हमारी पार्टी से जुड़ना चाह रहा है, जिसके ही कारण हमारी कमेटी इतनी अच्छी और इतनी मजबूत बनी है। तो इसमें कोई अलग से ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे हम आपको ये बता दिया जाए कि 51 की जो कमेटी हमने बनाई है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई है कि जिससे हम हर वर्ग तक पहुंच सकें और अच्छे से हर वर्ग की जो जन समस्याएं हैं उनको उठा के जो है शासन और प्रशासन स्तर पर उठा सकें। चुनाव को आप किस तरह से 2024 का चुनाव जो है बदलाव का चुनाव, आज जनता त्रस्त हो चुकी है भाजपा की झूठी राजनीति से। 4.5 साल दबाकर मचाते हैं लूट और बाद में दिखावा करते हैं देकर छूट। लगातार 3 पार्टियों का गठबंधन चल रहा है तो 2024 में भी क्या गठबंधन देखने को मिलेगा? बिल्कुल, आपको जो है एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर 2024 में नजर आएगी इंडिया गठबंधन के रूप में और आने वाला समय जो है बहुत ही सकारात्मक रूप से जो है आगे बढ़ रहे हैं इधर। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जो भारत की तस्वीर है कि सकारात्मक रूप के साथ आगे बढ़ेगी। गठबंधन नहीं ठगबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का काम कहने का ही करने का कुछ है। समाजवादी पार्टी की विधानसभा कमेटी की बात करें, एक बहुत बड़ी लिस्ट हमारे हाथ में है लेकिन ये जमीनी स्तर पर क्यों नहीं दिखाई देते, क्यों आप लोग विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं? विपक्ष की भूमिका हम बखूबी निभा रहे हैं। आपको जो है विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए किस तरह से आप देखें वो आपको देखना पड़ेगा। 2022 के बाद अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, लोनी में जमीनी स्तर पर एक भी प्रदर्शन, एक भी धरना, कोई भी विरोध कहीं भी देखने को नहीं मिला। अब इंशाल्लाह कल ही देखेंगे विरोध प्रदर्शन। जिले में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये भाजपा सरकार की विफलता है। कानून जो है, कानून देखें आप क्या हो रहा है, धज्जे उड़ा रहे हैं जो इतने भी विरोधी हैं और भाजपा सरकार का सत्ता का मुंह चढ़ाते हुए जो है जगह जगह क्राइम हो रहे हैं। आज ना आप कहीं भी उठा के देख रहे हैं, जनपद गाजियाबाद में भी गोलीकांड हुआ है, तहसील के अंदर क्या मतलब कोई कंट्रोलिंग ही नहीं है, कुछ है नहीं। कमिश्नरेट जब से बना है उसके बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे क्राइम का ग्राफ चरम पर पहुंच गया हो। हापुड़ में वकीलों के साथ मारपीट, आप पूरे देश और प्रदेश में उठाकर देखें जहां जहां भाजपा की सरकार प्रदेश में है वहां भी हालात खराब है और देश के हाल तो खराब नहीं है। आज समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और विधानसभा अध्यक्ष की आप घोषणा कर रहे हैं टीम की, पूर्व एक भी विधानसभा अध्यक्ष यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, चाहे बात करें राजेश बंसल की, जाहिद मुखिया की या फिर ललित बंसल की, किसी की बात करें कोई भी विधानसभा अध्यक्ष नहीं, क्यों? हो सकता है किसी कारण ना आ पाए लेकिन वो आज भी समाजवादी पार्टी में है और समाजवादी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता है, वो आगे जो कार्यक्रम होंगे उसमें आपको इंशाल्लाह नजर आएंगे। अच्छा, अगर हम 2024 की बात करें, जो INDIA एक गठबंधन बन रहा है, क्या 2024 का चुनाव उसके बैनर तले समाजवादी पार्टी लड़ेगी? समाजवादी पार्टी INDIA के बैनर तले? बिल्कुल, आप देख रहे हैं अभी इंडिया के जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उनकी मीटिंग चल रही है 2 दिन की, उसमें सभी दल जमा हैं
और जो भी निर्णय हो वो प्रदेश और राष्ट्र नेतृत्व का होगा, हम उसके फॉलो हम करेंगे उसको फॉलो। जब अच्छा कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का पूर्व में गठबंधन रहा है जयंत चौधरी के साथ, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मॉरल डाउन हुआ ऐसा समझते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी पार्टी के प्रति जो है मजबूती के साथ हर जगह खड़े होने का काम करते हैं। जहां पार्टी का निर्देश होगा वहां हमेशा से जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं, और आने वाले समय में भी आपको देखने को मिलेगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कभी डाउन नहीं होता। जैसे ही चुनाव आएगा आपको सारे कार्यकर्ता सड़क पर सदन तक लड़ते हुए नजर आएंगे। आप जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है, लोनी में चार समाजवादी पार्टी के सदस्यों को टिकट हुआ था, उनमें से एक भी चुनाव नहीं जीत पाया, क्यों? समाजवादी पार्टी गठबंधन के रूप में जो है चुनाव लड़ी, चार समाजवादी पार्टी जो उतारे गए थे सभासद, जी चार सभासद प्रत्याशी बिल्कुल लोनी में उतारे गए थे, जी ठीक है, उसमें से कोई भी नहीं जीत पाया, आगे फिर लड़ेंगे फिर जीतेंगे कौन सी बात। लेकिन ऐसा क्यों कि राष्ट्रीय लोक दल का ही प्रत्याशी उनके सामने उतारा गया? कुछ थोड़ी बहुत आपसी मतभेद भी हो जाते हैं कभी कभी, और इसमें छोटी बड़ी चीजें हो जाती हैं, कोई इतनी बड़ी इसमें इशू का बात नहीं है। आज हमारे बीच में नगर अध्यक्ष के रूप में इस्लामुद्दीन भाई बैठे हैं, वो भी पार्षद हैं, कामुद्दीन है वो हमारे साथ जो है सचिव में है, तो हमारे पास लगभग प्रत्याशियों की बड़ी लंबी फहरिस्त है जो हारे भी हैं जीते भी हैं। आप चाहेंगे तो मैं उसे पर्सनली आपको दे दूँ। विशेष आमंत्रित सदस्य है, क्या अपना महत्व देखते हैं और किस तरह से विशेष आमंत्रित जो कमेटी है काम करेगी? आमंत्रित सदस्य नहीं, मैं तो समाजवादी का हिस्सा हूँ, और दिनेश भाई ने आप कह रहे थे इतनी बड़ी 51 लोगों को जोड़ा है इस कमेटी में। आज प्रदेश सरकार से और देश की में जो सरकार चल रही है उससे आम आवाम त्रस्त है, हर वर्ग का हर समाज का लोग हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए हमारे पास फेरिस बहुत बड़ी है। लोग बात अब भी हमें बहुत सोच समझ के इसमें पड़े इसमें काट छाट करिए जब जा रही है। और सभासद के लिए आप कह रहे थे एक एक वार्ड में 10-10 प्रत्याशी थे हमारे समाजवादी पार्टी और गठबंधन, तो उसमें कुछ इख्तलाफ हो गया, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। और आपने देखा होगा पिछला चेयरमैन का चुनाव गठबंधन ने किस तरीके से लोनी में जीत हासिल करी है, उसके लिए मैं सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा आप गठबंधन की बात आपने छेड़ दिया, तो गठबंधन से हम पूछना चाहते हैं कि क्या 2024 में समाजवादी पार्टी के पास अपने पास कैंडिडेट है या वो भी राष्ट्रीय लोकदल के खाते में से लेकर आएंगे? देखिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, वो जिसे आदेश करे ये फैसला उनके ऊपर है, हम यहाँ बैठ के इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। वो जिसे भी आदेश करेंगे चाहे वो लोकदल का हो या किसी भी दल से हो, और इंडिया एक नया गठबंधन हुआ है पूरे देश में, जिस भी पार्टी से होगा हम तन मन धन से पूरी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसमें सब शामिल हैं। अच्छा क्या कारण रहे कि पिछले 5 साल जिस चेयरमैन को जाकिर अली की बात करें, समाजवादी पार्टी कमेटी की बात करें, आप लोगों ने धरने प्रदर्शन भी करे, उन्हें कोसा भी नारेबाजी भी की और फिर उन्हें को चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतार दिया, क्या समाजवादी पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं थे? समाजवादी पार्टी की लोकदल से गठबंधन हुआ था, जयंत चौधरी जी ने जिसे यहाँ दूल्हा बनाकर भेज दिया, जिसे चेयरमैन का टिकट दे दिया, हम उसके साथ हैं और आगे भी। चलो अच्छा अगर मुस्लिम समाज की बात करें, लोनी में 1,92,000 वोटों की हम बात करते हैं जो है, क्या इस बार फिर उनको धोखे में रखकर किसी और को टिकट देकर वोटों को ठगा जाएगा? नहीं, धोखे में तो आ रहा है, पर 1,92,000 ये सचिन विशोरिया जी कहते हैं, हमारे हिसाब से तो 1,92,000 नहीं, हमने भी हिसाब लगा रखा है, लेकिन आप पत्रकार बंधु हो जो आप कह दो सही है, धोखे में किसी को नहीं रखा, सबकी सलाह मशवरा से मनोज दामा का टिकट हुआ था और सभी इसमें चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज हो सबने मिलजुल कर मनोज दामा जी को चुनाव लड़ाया और जिसका परिणाम है आज लोनी के चेयरमैन हमारे गठबंधन।